हल्द्वानी के संरक्षण गृह में रह रही किशोरी से दुष्कर्म का मामला पुलिस जांच में झूठा साबित हुआ है। मामले में नैनीताल पुलिस ने आरोप सही साबित नहीं होने पर अपनी फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। बीते दिनों किशोरी ने आरोप लगाया था कि संरक्षण गृह की दो महिलाएं उसे इलाज के बहाने किसी मकान में ले जाती हैं, जहां उसे दुष्कर्म किया जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री रेखा आर्या ने एक अनुसेविका को निलंबित कर दिया, वहीं दूसरी को होमगार्ड विभाग को वापस करते हुए कार्रवाई की संस्तुति की थी। अब पुलिस ने इस मामले में अपनी पूरी जांच पूरी कर ली है। जांच में किशोरी के आरोप सही नहीं पाए गए। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। गुरुवार को पत्रकार वार्ता के दौरान बताया गया कि प्रकरण में किशोरी की ओर से लगाए गए आरोप सत्य नहीं पाए गए। किशोरी नारी निकेतन में नहीं रहना चाहती थी और अपने घर जाना चाहती थी। जब उसे घर नहीं जाने दिया तो उसने कर्मचारियों पर झूठे आरोप लगा दिए। पुलिस ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। किशोरी को उसके परिजनों के साथ भेज दिया गया है। उत्तराखंड की ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।